मुंबई के बिल्डिंग हादसे के 26 घंटे बाद खत्म हुआ रेस्क्यू ऑपरेशन, अब तक 33 की मौत की पुष्टि। दिल्ली बाजार में हुए हादसे में मलबा हटाने का काम जारी, कुल 14 लोग हुए जख्मी। मुंबई में आज सुबह भी रेस्क्यू टीम ने मलबे में दबे एक शख्स को बाहर निकाला, मोबाइल कैमरे में एक तस्वीरें कैद। ठाणे के वाशिंग स्टेशन पर यात्रियों का रेल रोको आंदोलन, करीब घंटे भर बाद खत्म हुआ बवाल। मोदी कैबिनेट में कल शाम 5 बजे बड़े फेरबदल की संभावना, बदलाव से पहले कई मंत्रियों ने दिया इस्तीफा। मोदी कैबिनेट में फेरबदल से ठीक पहले केंद्रीय मंत्री राजीव प्रताप रूडी और फगन सिंह कुलस्ते का मंत्रिमंडल से इस्तीफा। केंद्रीय जल संसाधन मंत्री उमा भारती ने पीएम मोदी को भेजा इस्तीफा, खराब सेहत के चलते इस्तीफे की पेशकश। नितिन गडकरी को मोदी मंत्रिमंडल में मिल सकती है नई जिम्मेदारी, सूत्रों के मुताबिक रेल मंत्रालय दिए जाने पर विचार। लगातार रेल हादसों से घिरे सुरेश प्रभु का घट सकता है कद, सूत्रों के मुताबिक पर्यावरण मंत्रालय का मिल सकता है जिम्मा। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल और पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का बढ़ सकता है कद, सूत्रों के मुताबिक शिक्षा मंत्री प्रकाश जावड़ेकर के कामकाज से पीएम मोदी हैं खुश, मिल सकती है बड़ी जिम्मेदारी। मेनका गांधी के महकमे में भी हो सकता है बदलाव, छीना जा सकता है महिला कल्याण मंत्रालय। कैबिनेट विस्तार में जेडीयू कोटे से भी बनाए जा सकते हैं मंत्री, सूत्रों के हवाले से खबर। महेंद्रनाथ पांडे ने भी केंद्रीय मंत्री के पद से दिया इस्तीफा, सौंपी गई यूपी प्रदेश अध्यक्ष की कमान।